लोकसभा चुनाव के लिए सियासी लड़ाई अब उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी नेता कार्यकर्ता पूरे जोश खरोश के साथ मैदान में है। वहीं यूपी के लड़के यानी कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी कमर कसकर तैयार हैं। मायावती के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद मुख्य लड़ाई इन्हीं दो खेमों के बीच होती नजर आ रही है। विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस के हिस्से में 17 सीटें आई हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी के मुंह से निकले कुछ शब्दों से कांग्रेस ने खुद अपने लिए चुनौती खड़ी कर ली है। दरअसल पूरे देश में कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रही है। बीते दिनों बिहार के रास्ते से होते हुए यूपी में प्रवेश कर गई। चंदौली वाराणसी होते हुए यात्रा अमेठी पहुंची। जब राहुल की यात्रा अमेठी पहुंची तो यहां उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, वाराणसी में हमने यूपी की सच्ची हालत देखी है। सड़क पर युवा शराब पिए लेटे हैं, शराब पीकर युवा बाजा बजा कर नाच रहे थे। जो बेचारा रोजगार चाहता है वो पेपर देता है तो पेपर लीक हो जाता है। बेरोजगारी के कारण युवा परेशान है। पहले स्मृति ने गांधी फैमिली को दो नसीहतें दी। अमेठी की धरती पर किए गए इस हमले पर पहले तो स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने निशाना साधा। उन्होंने सोनिया गांधी को हिदायत देते हुए कहा कि अपने बेटे को यदि आप अच्छे संस्कार ना दे सके तो उनसे कहें कि पुण्य स्थल के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां करना बंद करें, वरना मुंह तोड़ जवाब प्रभु तो देंगे ही, जनता भी देगी। राहुल गांधी ने यूपी की जनता का अपमान किया, युवाओं का अपमान किया। राहुल गांधी को कोई हक नहीं है वो पुण्य भूमि बनारस की जनता का अपमान करें। और फिर राहुल के बयान पर मोदी का वार, ये मामला यही नहीं रुका। ऐसे मौकों पर पीएम मोदी भी कहां चूकने वाले थे। काशी की धरती पर पहुंचे मोदी ने कहा, आज जब यूपी बदल रहा है, यूपी के नौजवान अपना नया भविष्य लिख रहे हैं, तब ये परिवारवादी क्या कह रहे हैं, मैं तो हैरान हूँ। कांग्रेस के शाही परिवार के युवराज काशी की धरती पर आकर कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी हैं, ये कैसी भाषा है भाई। अब कांग्रेस की 17 सीटों का हिसाब समझिए। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 17 सीटों पर चुनाव लड़ना है। 2019 में हुए पिछले चुनाव में केवल रायबरेली से सोनिया गांधी की सीट पर ही जीत नसीब हुई थी। इस बार मिली 17 सीटों पर कांग्रेस का प्रदर्शन पिछली बार कुछ खास नहीं रहा था। 2019 के चुनावों में कांग्रेस ने 67 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से 63 पर उसकी जमानत जब्त हो गई थी। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इन 17 में से 12 सीटों पर पार्टी अपनी जमानत तक बचाने में नाकाम रही थी। ऐसे में राम मंदिर की लहर के चलते बीजेपी वैसे ही फ्रंट सीट पर है। यूपी में अपने खोए जनाधार को वापस पाने के लिए संघर्षरत कांग्रेस पार्टी शिद्दत से लगी हुई है, लेकिन काशी की धरती से यूपी के युवाओं के लिए बोले गए शब्दों से खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली स्थिति बनती नजर आ रही है।